अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर होलसम व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे, आपके प्यारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दरअसल ये है पीर का व्लॉग जो अभी गुजर के गया है। मैं गई हुई थी, मेरे घर के पास ही एक छोटा सा बाज़ार लगता है, इतना कोई बड़े लेवल का नहीं है, पीर बाज़ार लगता है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं हर पीर को ही जाती हूँ क्योंकि बहुत ही रीज़नेबल और इकोनॉमिकल बजट में ना आपको चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती हैं। तो पहले पता है जब छोटे होते थे ना तो बड़ा शौक़ होता था कि नहीं जी फैंसी दुकानें, मॉल, महंगी महंगी चीज़ें और ये इस तरह की जो है ना ख्वाहिशात होती थी। और जैसे जैसे बड़े हुए, ख़ुद ज़िंदगी अफोर्ड करना शुरू की, ख़ुद चीज़ें ख़रीदना शुरू की, तो फिर समझ लगी चीज़ों की कि जी ये मायने नहीं रखता कि ब्रांडेड है नॉन ब्रांडेड है, मायने ये रखता है कि आपकी जेब आपको क्या अलाउ करती है। आजकल सोसाइटी में हम क्या देखते हैं कि हम सिर्फ दिखावे के लिए ना अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैला लेते हैं और फिर जो है वो परेशान बैठे रहते हैं कि अब इस ये जो बिखेरा हमने डाल लिया है इसको हम समेटे कैसे। तो इसलिए मेरा ये फर्म बिलीव है कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, जो अफोर्ड कर सकते हो अपनी हक हलाल की कमाई से, उसमें ही जो है ना बरकत है और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और ब्रांड्स, ट्रस्ट मी, ब्रांड्स पहन लेने से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता है। सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं और ये सारी चीज़ें कोई वैल्यू नहीं रखती। इसलिए चीज़ों से हट के इंसान को उसके अहलाक के लिए, उसके बोल चाल के लिए और ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट्स हैं उसकी और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कितने खुश हैं उससे और वो लोगों को कैसे ट्रीट करता है या करती है, इन चीज़ों को लेकर अहमियत दिया करें। ये नहीं कि किसने फलाने ने ये ब्रांड पहना है तो ये ज़्यादा इज़्ज़त का हकदार है और फला बंदे ने नहीं पहना तो जी ये हमारी इज़्ज़त का हकदार नहीं है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ना ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं तो वक्त के साथ ऐसी हो गई हूँ कि मेरा बस होता है कि जो बस चीज़ मैं घर में बना सकती हूँ ना वो मैं घर में ही बनाऊँ और बिला वजह के शशकों में अपने पैसे ज़ाया ना करूँ। अच्छा यहाँ पर ये देखो दस्तरखान कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। और यहाँ मैं रिकॉर्ड कर ही रही थी कि एक भाई ने देखा और मुझे बोला कि मेरे स्टॉल का वीडियो बनाओ। बना देते हैं भाई, देखें लमतर लगा था लेकिन देखें जी इनके पास बच्चों के कपड़े हैं इनके पास। अच्छा तो मैं उन भाई के स्टॉल की वीडियो बना ही रही थी कि पापा आ गए, क्योंकि पापा को ना घर में वो जो पोछा लगाने के लिए टॉवल होते हैं ना वो यहाँ पर किलो के हिसाब से मिल जाते हैं, तो और सस्ते से ही होते हैं, मेरे ख्याल से 200 रुपये या 300 रुपये किलो मिल जाते हैं। तो पापा को वो चाहिए थे, इसके अलावा एक दो चीज़ें और थी छोटी मोटी सी, तो मैंने कहा चलें दोनों साथ में एक्सप्लोर करते हैं ज़रा। साथ में मुझे यहाँ पर दिख गया था वो जो पैर साफ करने के लिए एक स्टोन टाइप होता है ना, शुरू से मेरे घर में वो आपको बाथरूम में ना मैंने रखा हुआ होता तो उससे एड़ियाँ बड़ी अच्छी से साफ़ हो जाती हैं, तो वो एक ले लिया मैंने। फिर आगे कुछ और चीज़ें ली वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये वाला। तो यहाँ आने से ना इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वैसे आपको याद नहीं रहेगा कि ये ज़रूरत की हैं, लेकिन जब आप देखोगे ना आप बोलोगे अच्छा हाँ ये भी तो एक चीज़ थी जो मैं कब से ढूंढ रही थी। तो बस यहाँ पर हर तरह की चीज़ आपको मिल जाती है और बहुत ही अच्छे दामों में मिल जाती है। यहाँ पर ये देखें आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी। और ये वाला बाज़ार थोड़ा छोटे स्केल का है, जो संडे बाज़ार है ना गुलशन में जो लगता है अलादीन के पास, आप अगर गए होंगे तो पता होगा, वो तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे लगता है। ये देखें इससे पता नहीं क्या सब्जियाँ, भैया ये दिखाना, पता नहीं इससे क्या होता है, हैंड पुशिंग कुकर, ये क्या करता है भैया? ये चॉपर है, चॉप करने का। अच्छा तो क्या धनिया वगैरह चॉप करेगा? ऑल वेजिटेबल और चिकन। कितने का है ये? 1800। अच्छा अच्छा इस ऐसा ना ट्रांसपेरेंट डब्बा होगा इतने साइज का? नहीं,
और ये कितने का है? अच्छा हाँ, ये आगे देखते हैं, पीछे था इसके पास था, लेकिन ये भी महंगा ही दे रहा था, 800 रुपये का दे रहा था। बस जी इधर फिर ये देखें, छोटा सा बच्चा जो है पूरी दुकान संभाल रहा था, और ये माशाल्लाह से इतना तेज़ था ना कि बस बिल्कुल भी इसने गुंजाइश नहीं की। 800 रुपये बोले तो फिर जाकर इसने कहीं पे मेरे ख्याल से 50 रुपये कम किए थे और 750 का फिर ये डब्बा दिया था, और बहुत ही माशाल्लाह से तेज़ था अपनी उम्र के लिहाज से, और बड़े अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ ना मैंने बोला वीडियो बना रही हूँ मुझे डिस्काउंट दे दो, तुम्हारे पास और भी लोग आएंगे। कहते नहीं पाची, मैं वीडियो का क्या करूँगा हमको तो पैसा कमाना है बहुत ही क्यूट था। यहाँ पर देखें ये नाक भी पियर्स हो रही थी और कान भी, और साथ में इनके पास ये चांदी की सारी छोटी छोटी क्यूट क्यूट से ना टॉप्स वगैरह भी रखे हुए थे, और ये बैग इतने अच्छे लग रहे थे। बस इनके ऊपर ये गुची प्राडा और ये सारे नाम ना लिखे होते ना तो मैंने तो 2-3 उठा लेने थे यहाँ से, बड़े ही हसीन लग रहे थे। अच्छे बैग हैं भाई, ये देखो नीचे भी छोटे वाले लगे हैं। ये छोटे कितने के हैं? ये वाले, ये वाले, ये 200। सही। अच्छा तो ये जो है ना हमारा इस दिन का लास्ट स्टॉप था, इसके बाद सिर्फ मैंने फ्रूट्स लिए थे, ऊपर मैं घर को निकल गई थी। यहाँ से जो है वो 2 सूट लिए थे, कॉटन के थे शायद, पता नहीं कितने के, कितने का सूट दे रहा था, शायद 1400 रुपये का, जो कि बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छे रेट्स हैं एक पूरे सूट के लिए। तो ये हमने लिए 2, पापा ने यहाँ से पहले भी लिए थे तो वो मुतमईन थे इसकी क्वालिटी से, तो मैंने कहा चलें फिर 2 और ले लेते हैं, गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है। उसके बाद यहाँ पर बस वीडियो बना रही थी मैं, और सब मुझे देख रहे थे कि बाजी हमारी भी वीडियो बना लो, बाजी हमारी भी वीडियो बना लो। कभी कभी इतनी मासूमियत पे ना इतना वो आता है कि यार आजकल भी इतने मासूम लोग हैं तो यहाँ से मैंने फालसे लिए क्योंकि आयाज को फालसे पसंद है, जबकि अभी जो है ना खट्टे आ रहे हैं और काफ़ी महंगे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से जो है ना ले लिए थे। अच्छा जी, तो सामान सारा ले कर मैं आ गई हूँ वापस, कितनी गर्मी है ना अल्लाह। अभी जो है बनाऊंगी मैं, बनाऊंगी सालन, पता नहीं आवाज़ आया घर पे कि नहीं। ओए इतनी गर्मी है बाहर, तो वाह कि आप निकलो और घर वापस आओ तो बोलो कि बस अब तो शावर लिए बगैर गुजारा ही नहीं है, बैठ ही नहीं सकते आप। मेरे साथ बिल्कुल ऐसे हो रहा है, ऐसे कपड़े भी देखो, कपड़े भीग रहे हैं, आयाज बेचारा भी पसीने में भीग रहा है सारा, लेकिन खैर सामान आ गया सारा। अभी मैं फ्रेश होंगी पहले, फिर बनाती हूँ पकौड़ा वगैरह, उसके बाद हांडी रोटी करना शुरू करते हैं। अचार गोश्त बना रही हूँ, आज दिखाऊँगी आपको किस तरह बनाती हूँ। सामान आया सारा लेकर आ गया, आटा भी लेकर आ गया, रोटियां भी घर पे बनाऊंगी। बनाऊँगी चिकन भी ले आया है, ये जौ का आटा मैंने अपने लिए मंगाया है, ये दूसरा लाल वाला आटा है, और ये मैंने एक बैग रखा हुआ है, इसके अंदर मैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आ जाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें अभी निकालती हूँ तो दिखाती हूँ। बस तो यहाँ पर मैं ना मार्केट जाने से पहले ब्रशेस सारे गर्म पानी में सर्फ डाल के भिगो के चली गई थी क्योंकि हाथ से गंदे हो रहे थे। फिर मैंने शावर लिया है, पकौड़ा बनाया है ठंडा ठार सा, उसके बाद जब पिया है ना फिर मुझे होश आई है कि बस गर्मियों में उफ घर की ठंडी ठार ड्रिंक का मुकाबला कोई और चीज़ नहीं कर सकती। फिर मैंने सोचा, जब थोड़ी हिम्मत वापस आ गई, थोड़ा मैंने सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया किया, तो उसके बाद मैंने सोचा चलो अब हांडी रोटी कर लें। यहाँ पर ये जो गंदम का आटा है वो है, 5 किलो हम लोग मंगवा लेते हैं तो हमारा पूरा महीना सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह गुजर जाता है, तो वो मैं डाल रही थी इसके डब्बे में। साथ ही में मैं अपने लिए जो है वो थोड़ा सा किलो तकरीबन मंगवाती हूँ जौ का आटा, जिसको बार्ली का आटा भी कहते हैं, तो वो जो है ना मैं अपने लिए रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ।
और इसको ना गूंदना इतना मुश्किल है, आज तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने गर्म पानी से गूंद के देख लिया, मैंने ऑयल से गूंद के देख लिया, उसके बावजूद इसकी रोटी जो है ना बड़ी मुश्किल से बनती है। तो साथ ही फिर ये सब कुछ समेटने के बाद बर्तन धोए मैंने, और फिर मैंने अपनी सब्ज़ियाँ वगैरह ना वो काटना शुरू की, और बहुत ही अच्छा सा सालन बन गया था। बड़ी इसकी सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आपने मसाला बनाना, जैसे हर किसी का मसाला बनता है। यहाँ पर आयाज जो है मुझे तंग कर रहा था कि एक एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, देखो फालसे, देखो मिर्चें, देखो प्याज मैंने कहा कर लो तुम भी। तो जैसे हर सब्ज़ी का जो है वो मसाला बनता है, वो आपने बना लेना। प्याज पहले ब्राउन कर लेना है, उसके बाद आपने चिकन उसमें डाल देनी है, जो वो अच्छे से भुन जाए उसमें थोड़ा सा पानी डालें, गलने के लिए रख दें, उसकी उसी के अंदर टमाटर ऐड कर दें, और साथ में अदरक लहसुन भी ऐड कर दें ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। और जो अलहदा से पानी है वो मुझे बहुत ही कम डालना पड़ा था, क्योंकि एक तो मुर्गी का अपना पानी भी होता है, फिर टमाटर भी डाले थे मैंने, तो सिर्फ तकरीबन कोई आधा ग्लास से थोड़ा सा ऊपर मैंने पानी ऐड किया था। और यहाँ पर प्याज फ्राई करते वक्त मैंने इसके अंदर जो वो होते हैं ना बीज, क्या कहते हैं उसको, फेनोग्रीक सीड्स, वो और इसके अलावा कलौंजी के सीड्स मैंने डाल दिए थे। हर सालन में ही डालती हूँ क्योंकि अफेक्टिव होते हैं। और प्याज हल्के से जब ब्राउन हो गए तो मैंने उसके अंदर चिकन ऐड कर दी, उसको मैंने थोड़ा सा बिल्कुल ब्राउन होने दिया, फिर टमाटर डाल दिए, उसके बाद अदरक लहसुन डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने उसको ऊपर से कवर करके गलने के लिए रख दिया। और जब ये गल जाना है तो फिर मैं आगे का आपको प्रोसेस जो है ना वो दिखाती हूँ। देखें, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला था और तकरीबन को 15 मिनट के अंदर अंदर ये ऑलमोस्ट गल के तैयार हो गई थी। तो सालन बना लेती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि बना नहीं सकती, लेकिन बस ये है कि दिल पे होता है जिस दिन दिल कर रहा हो। फिर जब तक चिकन गल रही तब तक मैंने अपना सैलड बना लिया यहाँ पे, और कैरी का और साथ ही साथ क्यूकम्बर का। इसके अंदर मैंने यूज़ किया था ये शान का अचार गोश्त का मसाला, और अचार गोश्त में जैसे कि आपको पता है कि आलू हम ऐड नहीं करते हैं, कर भी सकते हैं ऐसा कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन मज़ा इसका बिना आलू के ही आता है। ये डाल के वापस से मैंने उसको ऊपर मिक्स किया और फिर कवर कर दिया, और एंड में जो है ना मैंने मिर्चें और फिर जो है धनिया डाल दिया था, और हमारा सालन हो गया तैयार। यहाँ पे वैसे मेरा दिल किया था कि मैं यहाँ पर जो है ना दही भी ऐड करूँ इसके अंदर, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा। साथ ही साथ अयाज जो है वो अपनी वर्ल्ड फेमस चटनी बना रहा था। अच्छा, गर्मा गर्म रोटी दूंगी। हाँ तेटा, वो उठाओ बोली रोटी। अब बताओ कैसा बना है? अच्छा कि बहुत अच्छा? चलो एंजॉय। ये है जी मेरी रोटी, और अभी मैं भी आपको खा के बताती हूँ कैसा बना। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मसाला वगैरह भी टेस्ट किया मैंने, और बहुत भूख लगी है बहुत ज़्यादा। और बहुत अस्सलाम वालेकुम जी। तो दिस इज़ द नेक्स्ट डे आफ्टरनून। एक्चुअली अभी जो है सफाइयाँ चल रही हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। एक सेकंड में ज़रा अपने पौधों बेचारों को देखूँ, ऐसे मुरझाए हुए हैं ना गर्मी की वजह से, अभी पानी देती हूँ मैंने। तो मैंने सोचा कि कल मैं व्लॉग एंड करना भूल गई थी, तो व्लॉग एंड कर देते हैं ताकि मैं यहाँ से जो है वो एक नया व्लॉग शुरू कर सकूँ। और अभी मेरे पास दो बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और लंबे वाले व्लॉग हो चुके हैं, और आज से मेरा ऑफिस भी शुरू है, तो पता नहीं वो एडिट कब होंगे और कब अपलोड होंगे, लेट्स सी। और चलें जी, इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, रिलेट कर पाए होंगे। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें,
लाइक किया करें वीडियोज़ को, कमेंट किया करें, शेयर किया करें अपने सर्कल के अंदर। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।